स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल समझाया क्या पे। दोस्तों मेरा नाम साजन कुमार है और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज है। दोस्तों अगर आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं SSC GD का और आपका फॉर्म गलत हो चुका है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपको मैं 100% सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक चीज और बता दूं, जो लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि पेमेंट उनकी जो है कंप्लीट हो चुकी है बट अकाउंट में अपडेट नहीं हुई है, लेकिन बैंक अकाउंट से कट गई है, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा 48 आवर का वेट करना होता है। अगर 48 आवर के बाद भी आपके अकाउंट में स्टेटस नहीं बता रहा है तो आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिए। जो आपकी पेमेंट कटी होगी पहले वाली, वो तकरीबन 7 दिन या 48 आवर के अंदर 48 डेज के अंदर वापिस आ जाती है आपके बैंक अकाउंट में। अब बात करते हैं जिनका फॉर्म सबमिट हो चुका है और गलती हो चुकी है वो क्या करें। दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आपको गलती सुधारने का मौका ही नहीं दे रही तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते और आप इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हो। देखो सिंपल सी बात है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म लगा था तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था, उन्होंने मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया था, बट SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले कोई भी फॉर्म लगता है उसमें ये ऑप्शन नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे को ये एक मौका देते हैं। क्या? जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब, या फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब, तब आप इनको बता चुके हो, बता सकते हो कि भाई मेरे फॉर्म में ये गलती हो चुकी है, ये रही मेरी डॉक्यूमेंट, ये रही मेरी मार्कशीट, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई थी, मेरी मार्कशीट पे ये है सही डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे इसके हिसाब से सारा कुछ जो है आगे बढ़ना है। तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका फॉर्म गलत हो चुका है कोई बात नहीं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मॉडिफिकेशन ना होने वाली है ना आपकी होगी, सीधी सी बात है मैं आपको बता दूं, लेकिन आप लोग अपनी जो सही डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन आपके होंगे तब आप चीज जो है उनको बता सकते हो। और अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए कि क्या ये बात सही है या गलत है तो दोस्तों आप लोग मेरी कॉल रिकॉर्डिंग दे सकते हो जो कि मैं अभी चला देता हूं, इसको देखने के बाद आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में बात सही है। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई भी मैसेज है, कुछ भी है SSC GD को लेकर, तो आप प्लीज नोटिफिकेशन को रीड करें। नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने सारे अपने कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी हो रहे हैं, ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रही कॉल रिकॉर्डिंग, सुन लीजिए, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या? हेलो हेलो जी सर, SSC रिक्रूटमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं? हाँ जी, नाम बोलिए अपना। साजन कुमार सर। साजन जी, साजन कुमार जी, फोन नंबर बोलिए। कहाँ से बोल रहे हो आप? जम्मू एंड कश्मीर से सर। GD 18 जी, किसके बारे में पता करना है आपको? सर फॉर्म सबमिट होने के बाद मुझे ये जानना था, कुछ एडिट करना हो तो पॉसिबिलिटी है या नहीं? नहीं है। मतलब वो फॉर्म पूरा गलत हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो चुकी है सर? कोई नहीं, आप जब आपका वो होगा ना, क्या नाम है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें बता देना सर मेरे पे ये गलती से मिसटाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं 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 ठीक है सर, यही मेरे को जाना था।